सो गाइज ये देखो, मैंने अभी ये दो हमारा रेडी हो गया। अभी इसको तोड़ के मैं दिखाता हूँ कि अंदर कैसा इसका क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड गर्म है, देख रहे हो। तो सत्तू वाली लिट्टी बनाने के लिए आपको कौन कौन सा सामान लगेगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये मैंने लिया है सत्तू, ये चना का है। आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं या फिर घर पे ही चने को मिक्सर में पीस के भी ऐसा सत्तू बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इधर आते हैं, जो इसके अंदर मिलाना है वो ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इस साइड गार्लिक एंड इस साइड जिंजर, ये दोनों ऐसा छोटा छोटा काट लेना एकदम, ठीक है। एंड इस साइड ऑनियन है, प्याज, एंड ये है धनिया पत्ता, ठीक है, ठीक है। एंड अब इसको मिक्स करेंगे एंड आपको बताते हैं कि क्या कैसे इसमें डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो कटा हुआ है, ठीक है। प्याज डालने के बाद अब इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक जो चॉप किया हुआ है एकदम। ये दोनों डालने के बाद अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे एंड थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता जो कटा है वो डालेंगे। देख लेंगे थोड़ा सा में होगा या और डालना है तो थोड़ा और हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार लेना गाइस, ज़्यादा मत ले लेना। तो नमक अभी फ़िलहाल इसमें हम एक चम्मच डालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये अजवाइन है, ठीक है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये आधा चम्मच डाल देना। एंड इसके बाद, हाँ इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो पहले, ये भी इसमें डाल देना, ठीक है। ये लिट्टी की स्टफिंग के लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें अगर आपके घर पे सरसों तेल है तो वो इसमें डालना है, मस्टर्ड ऑयल ये थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, बस ये इतना डाल देंगे, दो तीन ढक्कन। एंड अब इसमें डालेंगे नींबू, अगर आपके घर में नींबू नहीं है एंड अचार का कोई सा भी मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम इसमें नींबू ऐड करेंगे, नींबू टेस्ट के लिए होता है। ये आधा नींबू हम इसमें डालेंगे। एंड इसमें बीज जो भी होगा वो बीज निकाल देंगे, वरना वो लिट्टी के अंदर आएगा तो वो बेकार लगेगा टेस्ट। और ये हटाने के बाद अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, पहले चम्मच से मिलाएंगे, उसके बाद हाथ से एकदम बढ़िया से मिलाएंगे इसको, ठीक है। एंड उसके बाद टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो लिट्टी की जो स्टफिंग है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, आपको भी ऐसा ही बना लेना है। एंड इस साइड मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने आटा को अच्छे से गूंद के रख दिया था थोड़ी देर पहले। तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हो और आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब आप इसमें देख सकते हो ब्लैक ब्लैक कुछ कुछ दिख रहा है, ये जो इसके अंदर मैंने ऐड किया कलौंजी और अजवाइन। एंड उसके साथ साथ आप इसमें एक दो चम्मच घी या फिर रिफाइन भी डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है और खास्ता हो जाता है बहुत अच्छा। तो हमारा आटा यहाँ पे ऐसे तैयार है एंड ये भी तैयार है। अब बताता हूँ कि आगे आटा के साथ आपको क्या कैसे करना है एंड ये स्टफिंग कैसे इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। चलो, सो गाइज आप देख सकते हो ये चार पोर्शन इसको जो मैंने चाकू से ऐसे से काटा है। अब क्या करूँगा, इसका एक पोर्शन आपको उठाना है एंड उसको रोल करके इक्वल छोटे छोटे भागों में बांटना है। अभी मैं बताता हूँ कि वो कैसे आपको करना है, ठीक है। एंड इतना इतना आपको ये तोड़ लेना, ठीक है, तो ऐसा बना लेना है। तो आप देखो कुछ ऐसा आपको लोहिया बना लेना है आटे का, मतलब छोटा छोटा ऐसा पीस वाला बना लेना है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको स्टफिंग कैसे करनी है सत्तू की, ठीक है। चलो एक यहाँ पे उठाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आपको ऐसे ले लेना है एंड इसको ऐसे गोल करते जाना है। देखो अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर गड्ढा होता जाएगा, ये बिल्कुल बिहार वाला स्टाइल वाला लिट्टी बन रहा है, तो एकदम प्रॉपर जो होता है वैसे ही बनाना है। देखो अब इसके अंदर हमको स्टफिंग डालना है अच्छे से,
ये डालने के बाद अब इसका सारा छोड़ जो है पकड़ना है और एक दूसरे से उसको जोड़ देना है। अभी देखो बताते हैं। हाँ ऐसे ही करके सारा एक दूसरे से पकड़ के, हाँ बस अब दोनों हाथ लगा के उसको ऐसे करके उसका मुंह बंद कर देना है मोदक के टाइप। ठीक है देखो ये हमारा लिट्टी बनकर तैयार हो गया। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ। एक तो आपको ये दिखा दिया, अभी तुरंत जस्ट बना के दो तीन दिखाता हूँ। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो मैंने इस टाइप का बनाया जो थोड़ा बड़ा है, एंड इससे छोटा देखो कितना अच्छा लग रहा है। इससे छोटा आप ऐसा भी लिट्टी बना सकते हो, ये भी बहुत अच्छा बना है। एंड ऐसा गोल भी आप बना सकते हो फ्राई करने के लिए, ये सब बहुत ही अच्छा होता है। एंड एक ऐसा छोटा भी बनाया, तो इस तरह से आपको इसका स्टफिंग कर लेना है, सारा जितना भी लिट्टी बनाना है सबको ऐसे कर लेना है। उसके बाद ऑयल गर्म करना है एंड इसको फ्राई करना है। तो मैं अब आपको सीधे इसको फ्राई करने वाले प्रोसेस पे दिखाता हूँ। ओके ये हमारा लिट्टी तैयार है, आप देख सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। एंड इस साइड तेल भी रेडी है हमारा। ठीक है ये लो फ्लेम पे है, ये अच्छे से पहले आप गर्म कर लेना तेल को, उसके बाद इसमें डालना। ठीक है सो अब यहाँ से हम एक लेते हैं एंड इसके अंदर आपको डाल के दिखाते हैं। तो इजीली इसको ऐसे करके तेल के अंदर बस ऐसे डाल देना, एक बार में कम से कम तीन डाल देना। ठीक है दो एंड एक और डाल देते हैं, ये हो गया हमारा तीन। एंड इसको अच्छे से पकाना है। ठीक है सो गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, देख सकते हो ये थोड़ा सा और इसको करेंगे उसके बाद इसको निकालेंगे बाहर। ठीक है सो गाइज आप देखो यहाँ पे हमारा जो ये लिट्टी है ये एकदम डार्क ब्राउन बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका, देखने से लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो कितना परफेक्ट हो गया है ये। ऐसे करके सारा आपको ऐसे ही तेल में छान लेना है एंड इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये भी हो गया एकदम परफेक्ट हो गया है, तो ऐसे ही सबको निकालता हूँ एंड चटनी के साथ इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना अमेजिंग ये लगता है। ठीक है सो गाइज ये देखो मैंने अभी ये दो हमारा रेडी हो गया, अभी इसको तोड़ के मैं दिखाता हूँ कि अंदर कैसा इसका क्या रहता है। ठीक है तो सबसे पहले एक ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड गर्म है, देख रहे हो ये देखो, ये देखो क्या अल्टीमेट लग रहा है। ये हमारा लिट्टी है एंड इसके साथ हम डालेंगे इधर चटनी। ये चटनी, इस चटनी को बनाने का जो घर में जैसे बनता है हरी मिर्च धनिया पुदीना एंड नमक वगैरह डाल के वैसे ही सेम बनाना है। तो यहाँ पे ये चटनी मैंने डाल दिया एंड इसके साथ आपको इसको लेना है। देखो कितना क्रिस्पी हो गया, मस्त लग रहा है देखो। एंड ऐसे थोड़ा सा लगाना है एंड टेस्ट करना है। गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगला वीडियो किस रेसिपी पे चाहिए आपको वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके थैंक यू।